मेरी गली के लोग तो परेशान हो जाते हैं ये बात सुनकर। बाकी ये गाड़ी 2022 मॉडल है। आज पूरा ड्राइव रिव्यू आपको शेयर करूंगा मैं। ये गाड़ी मैं 2 साल से ओन करता हूं और 35,000 किलोमीटर ये गाड़ी मैंने चला चुकी है। 2 साल हो चुके हैं भाई और इसका इंटीरियर अभी भी सेम टू सेम आता है जो आप देख रहे हो 2024 के अंदर। बस दो 2024 की आई है ना टियागो, उसके अंदर भाई BS6 फेज 2 वाला इंजन है और साथ साथ भाई गाड़ी के अंदर ना थोड़े बहुत फीचर भी ऐड कर दिए। चलो उसको हम छोड़ते हैं, लेकिन आज इस गाड़ी का पूरा आपको बताऊंगा। भाई काफ़ी लोगों का ना कुछ डाउट्स होते हैं, सवाल होते हैं कि भाई ये गाड़ी कैसी है, आप हमें बताओ। तो आज पूरी वीडियो देख लेना भाई, लंबी वीडियो ज़रूर हो जाएगी लेकिन पूरी वीडियो देखना, आपको सारा का सारा मैं जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा इसके 3 सिलेंडर के रिगार्डिंग। तो वीडियो देखिए। अब भाई अब आपको लाइव दिखाते हैं गाड़ी का, ठीक है। ये देखो मैंने ये ऑफ कर देता हूँ और ये मैं चला रहा हूँ अब गाड़ी को। फर्स्ट गियर लगाया बिना क्लच के, सिर्फ क्लच क्लच के भरोसे, ठीक है। ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने, रेस नहीं दे रहा, मैंने लगा दी सेकंड गियर। लो भाई सेकंड गियर, ठीक है जी। अब मैं लगाऊंगा इसमें थर्ड गियर, रेस नहीं दे रहा मैं। लो लगा दिया मैंने थर्ड गियर इसमें। लो जी ये चल रहा है थर्ड गियर, चल रहा है। अब मैं इसमें भी नहीं दे रहा रेस, ये लगाता हूँ मैं फोर्थ गियर, छोड़ दिया लग यार। थोड़ी वाइब्रेशन तो आई गाड़ी में, लेकिन लो देखो चौथे गियर पे गाड़ी चल रही है। अब मैं लगाता हूँ इस गाड़ी में फिफ्थ गियर, ये लगा दिया मैंने फिफ्थ गियर। रीस में बिल्कुल नहीं दे रहा गाड़ी में, थोड़ी वाइब्रेशन मुझे लग रही है इस समय फिफ्थ गियर लगा के, लेकिन गाड़ी फिर भी चल गई। ये भाई टॉर्क है इसका गाड़ी का, मतलब आपको सफिशिएंट टॉर्क गाड़ी में है, ये बात नहीं है कि आप कह सकते कि इसमें टॉर्क नहीं है गाड़ी में। पहाड़ों पे चढ़ जाती है आराम से गाड़ी, बस चढ़ाने वाला होना चाहिए। ये गाड़ी कहती है ड्राइवर में जोर है तो मैं भी चढ़ जाऊंगी भाई। देखो 37 की स्पीड में चल रही है फिफ्थ गियर में और एवरेज भी पूरी दे रही है। ये वाला बार जो होता है ना इसका, ये वाला, ये फुल हो तो एवरेज मतलब 30 की दे रही है इस समय इंस्टेंटेनियस, लेकिन वो 30 की नहीं होती, 25 या 24 तक की एवरेज होती है। इसमें थर्ड गियर लगा देता हूँ, ये लगाया थर्ड गियर और देखो कैमरा भी पीछे जा रहा है तो ये देखो मतलब गाड़ी खींचती है। अब गाड़ी किन को ये वाली लेनी चाहिए, ये गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हाईवे पे चलते हैं और बजट उनका 7 लाख 7.5 लाख है। एक मॉडल आता है इसका, चाहे टॉप मॉडल ना लो अगर आपका नहीं है ना ज़्यादा, एक मॉडल इन्होंने निकाल रखा है XT वाला, कुछ XT कुछ होता है वो, तो उस मॉडल के अंदर भाई साहब इन्होंने टच स्क्रीन भी दे रखी है, सेम फीचर्स दे रखे हैं, बस ऑटोमेटिक AC निकाल दो आप। ऑटोमेटिक AC भाई उनके लिए बढ़िया है जो ज़्यादा AC के साथ खेल खड़ा नहीं करना चाहते, ऑटोमेटिक AC उनके लिए बढ़िया है। मैंने तो टॉप मॉडल इसलिए लिया था, मुझे तो चाहिए था भाई रिवर्स कैमरा, सीधी सी बात मेरे को लेना पड़ता है पूरा रिवर्स गली के अंदर, मतलब आप ये लगा लो 5 या 6 मीटर तो मुझे रिवर्स लेना पड़ता है उस गली के अंदर। और ये गाड़ी उनके लिए भी परफेक्ट है जो सिटी के अंदर लेना चाह रहे हैं, मतलब बिल्कुल पतली गली है और उनको हाईवे पे भी चलना है, तब आप गाड़ी ये प्रेफर कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी आप टेस्ट ड्राइव लेके देख लेना गाड़ी की, आपको सही लगेगी गाड़ी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आप जब चला रहे हो, ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी की कोई बड़ाई नहीं करने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला। जो सबसे पहली बात है विजिबिलिटी आती है, सबसे तगड़ी बात जो आती है वो आप सीधा दिखाइए एक बार। विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं, बोनेट इस गाड़ी का नहीं दिखता क्योंकि भाई ये है हैचबैक, बोनेट नहीं दिख रहा, देख लो आप, अंदाज़ा ही आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। दूसरी बात, आपको हाईवे पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन गली में है ना, तो ये जो पिलर्स हैं ये भाई ये थोड़े से मोटे दे रखे हैं, तो आपको ना यहाँ का बीच का व्यू ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है इनके जो हिस्सा है। अल्ट्रोस के अंदर यहाँ एक क्वार्टर ग्लास दे रखा है जो बेटर विजिबिलिटी देता है आपको सिटीज़ के अंदर, पर आदत अगर आपको पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। चलो अब देखना भाई, ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कितनी स्पीड के अंदर ये गाड़ी जल्दी पकड़ती है, मतलब थोड़ा आपको दिखाऊंगा 0 to 60, 0 to 100, ठीक है जी। अब अपना पीछे कैमरे वाला भाई ध्यान से बैठ जाना, थोड़ा पीछे झटका आपको लग सकता है क्योंकि मैं एकदम से उठाऊंगा गाड़ी, पहले मैं ऐसे उठाऊंगा
फर्स्ट गियर के अंदर देख लेते हैं। ये देखो भाई, टाइम लगा रहा हूँ, गाड़ी की पुलिंग पावर बेस्ट है भाई। ये देखो आप गाड़ी खींच सकते हो, 80 कितनी देर में खींची, और मैंने ज्यादा भी खींची नहीं, ठीक ठाक खींची है। पर मुझे यार इसमें एक भाई डाउनफॉल लगता है, अगर आप ऐसे खींच कर गाड़ी चलाते हो ना, तो इसकी क्लच पर ना थोड़ी वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाती है, जो मेरे को पर्सनली कुछ पसंद नहीं आती भाई। हालांकि इसका जो क्लच है वो काफी लाइट फुट है, इसी कारण शायद है, या ये नॉर्मल वायर वाला क्लच है भाई, तभी इसके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है क्लच के अंदर, अगर आप हाई आरपीएम पे गियर शिफ्ट करते हो। और जब लो आरपीएम पे देखो, बिल्कुल भी इसका स्मूथ हो चुका है क्लच। और जैसे अगर मान के चलो ये टेम्पो वाला ओवरटेक करना, मैं चौथे गियर पे चल रहा हूँ, ये मैंने पंजा दबाया, लो जी चौथे गियर के अंदर ही ओवरटेक हो गया भाई, ये 40 की स्पीड से। गाड़ी उन लोगों के लिए है जिसको सेफ्टी चाहिए, साथ ही साथ परफॉर्मेंस से भी बिल्कुल वो नहीं चाहिए लोगों को। देखो स्विफ्ट जैसी गाड़ियां होती है हल्की 800 किलो की, तो वो उस हिसाब से इंजन है और वो भागती भी तभी अच्छी है। लेकिन जो ये टियागो है ना गाड़ी, वो गाड़ी में वजन भी ज्यादा है और उस हिसाब से पावर भी है, 1200 सीसी का इंजन है इसका। जो सबसे अच्छी बात लगती है वो देखो मैं, ठीक है और ये देखो मैं 80 की स्पीड पे हूँ, स्टेयरिंग पूरा टाइट हो जाता है, जरा सा भी इसमें प्ले नहीं है। जो गाड़ियों के अंदर प्ले आ जाता है ना, वो प्ले बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अब आप देखना मैं इसको ओवरटेक करूंगा कैसे, ये देखो हल्का सा घुमाया गाड़ी इधर हुई और बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है, टाइट हो जाता है। जो असली व्यक्ति को चाहिए होता है ना कि स्टेयरिंग बिल्कुल टाइट हो जाए, वो इस गाड़ी में है। वाइब्रेशन वगैरह मुझे इतनी परेशान करती नहीं है, इतनी खास वाइब्रेशन नहीं है भाई, जितने लोग कहते हैं ना कि बहुत तगड़ी वाइब्रेशन है ये है, फिफ्थ गियर में देख लो कोई वाइब्रेशन नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और जिस प्राइस पॉइंट पे मैंने ली ना, मैंने ली थी ये 7,32,000 रुपए की, पूरा पैसा वसूल है, क्योंकि डायनामिक्स इस गाड़ी के जो अच्छे हैं। अगर आपका रन हाईवे पे है तो मैं आपको कहता हूँ ये गाड़ी चक लो, बस आंख देख के गाड़ी चक लो ये, क्योंकि हाईवे पे भाई साहब इतनी मतलब सस्ती गाड़ी, एंट्री लेवल गाड़ी होने के बाद भी ये गाड़ी इतनी बढ़िया वो दे रही है हाईवे पे डायनेमिक्स। इसका स्टेयरिंग सबसे बेस्ट है जो आपको लगेगा, पंजा दबा दो आप गाड़ी कहती है चलूंगी मैं भी, मतलब कोई पावर की फील भी कमी नहीं होती। थोड़ा बस ये है कि इसके सेकंड गियर लगाओगे आप हल्का सा लैग लगेगा, ज्यादा नहीं, थर्ड गियर लगते ही फिर गाड़ी आगे, पर वही है कि खींच जाती है गाड़ी, ये नहीं है कि आपका बिल्कुल मरी मरी गाड़ी है, ओवरटेक करना हो आराम से हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको करके दिखाया कि 40 की स्पीड पर चौथा गियर लगा हुआ था और आप बड़े आराम से ओवरटेक कर गए। मैं पांचवे गियर पे हूँ, ये इसको चल रहा है वैगनर वाला, इसको ओवरटेक कर लिया आराम से। देखो एवरेज भी गाड़ी अच्छी देती है, अगर हाईवे में प्योर चलो ना तो 22 या 23 तक की पेट्रोल के अंदर आपको एवरेज दे देगी गाड़ी आराम से, बिना किसी दिक्कत के देख लो। अब हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में कि क्या चेंजेस आए हैं। देखो 35,000 जब ये किलोमीटर गाड़ी चली, पहले ना थोड़ा सा इसमें पावर की मुझे कमी लगती थी पर्सनली, लेकिन जब ये चली इसका इंजन रमा हो गया ना, जब ये देखना स्विफ्ट वाला कैसे मार रहा है, ये देखो मतलब स्विफ्ट वाले अपने आप को पता नहीं दादा समझते हैं कहीं के, मैं डिपर मार रहा मजे से भाई साहब, दादा बन रहा, दादा की हम ठोक देंगे, हम हमर आ रही है भाई गाड़ी है, हद होगी। चलो हम बात करते हैं, छोड़ो इन सबको। तो इस गाड़ी का 35,000 किलोमीटर चलने के बाद इसकी गाड़ी का पिकअप और पावर भाई साहब बढ़ चुकी है, मतलब एक रेजिस्टेंस आता था गाड़ी का कि मेरे से भी क्लच छोड़ता था ना, मैं गाड़ी को बंद हो जाती थी, दोस्तों से भी बंद हो जाती थी, लेकिन अब क्या है कि क्लच छोड़ते ही पावर दिखती है इस गाड़ी की, पावर मिलती है मेरे को, मतलब पावर इंक्रीज हुई है इसकी फर्स्ट सेकेंड सर्विस होने के बाद, इंजन खुल चुका है, रमा हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है, और स्मूथ भी हो चुका है इवन मोर जितना ज़्यादा आप गाड़ी को चलाते हो। अब इसकी रीसेल पे मुझे थोड़ा डाउट है, वैसे तो टाटा की रीसेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अगर मैं इसका दाम लगाऊं 7.5 लाख का तो मुझे कितना मिल जाना चाहिए। 2 साल पुरानी गाड़ी है, 2022 मॉडल है, टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स टॉप मॉडल वाले, टॉप मॉडल है एग्जैक्ट प्लस। आप मुझे ना कमेंट करके बता देना कि इसका प्राइस कितना लगना चाहिए रीसेल में। वैसे तो कह रहे हैं कि टाटा की रीसेल अब बढ़ गई बेटे,
क्योंकि टाटा भी टाटा बन रहा है आजकल। मारुति का अभी मैच तो नहीं आया कि मारुति की गाड़ियां जैसे रीसेल में जाती है भाई साहब, तो आप मुझे बताना कितना दाम इसका टूटेगा अगर रीसेल में बेचें इसको, ठीक है? और थोड़ा बहुत गाड़ी लगती है, आगे से लगती है, बीच में से कभी नहीं लगी मेरी गाड़ी, थोड़ी बहुत लग जाती है भाई। वो हैचबैक गाड़ी है, 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है? अब आप कह रहे होंगे भाई पंच भी ले सकते थे आप, पंच थोड़ी सी ऊंची आ जाती है गाड़ी, पंच बढ़िया गाड़ी है उनके लिए, बढ़िया गाड़ी है जो ज़्यादा खड्डे वड्डे रस्तों में रहते हैं। टियागो चल जाती है, मेरे मिक्स चलती है, खड्डे भी है, हाईवे भी है और सब कुछ है, और पंच में भी सेम इंजन आ रहा है टियागो वाला, ठीक है? तो वो है 100 किलो ज़्यादा हैवी गाड़ी है, 5 स्टार है गाड़ी नो डाउट, पर वो थोड़ी भारी गाड़ी है तो उसमें ना थोड़ा मुझे हल्का सा लगता है, ज़्यादा नहीं, मतलब 40-50 की स्पीड तक आपको लगेगा कि ये 40-50 की स्पीड जल्दी पकड़ेगी, वो थोड़ा सा लेट पकड़ेगी, पर वो गाड़ी बेस्ट है उन लोगों के लिए जो भाई साहब एक बड़ी भोकाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। इंजन भी अच्छा है उसका, ज़्यादा कोई वो नहीं है, और सेम ही है टियागो जैसा ही है भाई, ये सारा का सारा स्टेयरिंग वेयरिंग तो टाटा ने सब में सेम दे रखा है, टाटा भेदभाव ही नहीं करता भाई, मतलब यही सेम स्टेयरिंग व्हील आपको जो पुरानी नेक्सोन आ रही थी ना 12-13 लाख का टॉप मॉडल, उसमें भी यही मिल रही थी, बताओ, तो भेदभाव किसी एंगल से नहीं है। तो आप अगर सस्ती गाड़ी ले रहे हो तो इसमें ये ना समझो कि सस्ती गाड़ी लेने से आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, नहीं जी नहीं, इस गाड़ी के अंदर सस्ती गाड़ी वाली फील ही नहीं होती, इसके ये शीशे ही इतने बड़े हैं कि ये लगता है कि आप बड़ी गाड़ी में बैठे हो, खुला डुल्ला फील होता है आपको। कुछ ये इंटीरियर्स आप देख सकते हो कि वाइट और बेज, अब मारुति वालों की गाड़ियों के अंदर ना मुझे क्यों नहीं पसंद आती गाड़ी, क्योंकि भाई उसके अंदर आप ब्राउन सा शेड दे दिया, डार्क इफेक्ट ज़्यादा है, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप बेज कलर ज़्यादा है, जितनी आपकी लाइट शेड होगी ना गाड़ी, वाइट कलर होएगा जितना ज़्यादा, उतनी खुली डुल्ली आपको गाड़ी महसूस होने वाली है। कुछ ये हाईवे के लिए मैंने लेनी थी, तो हाईवे के लिए ये इस गाड़ी से परफेक्ट सौदा मुझे तो लगा ही नहीं आज तक। ये देख लो इस दाम पर कह रहा हूँ, प्राइस पे 7 लाख आपका बजट है, अल्टो वगैरह आती है भाई साहब 6 लाख रुपए तक की, 5.5-6 लाख की पड़ जाती है, और टॉप मॉडल भाई 5.5-6 लाख की आप अल्टो ले रहे हो। अब अल्टो भाई साहब मानता हूँ भाई पहाड़ों पर चढ़ जाती है गाड़ी, लेकिन वो 1000 cc का इंजन है, 1200 cc का इंजन है, ठीक है? उसमें भी फर्क आ जाता है, और इसके डायनेमिक्स थोड़े से अच्छे हैं गाड़ी के, पूरा कॉन्फिडेंस देती है ड्राइवर को। वीडियो का सार ये है कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका भाई गड्ढों में भी रन होता है और हैचबैक गाड़ी चाहिए, 7 लाख आपका बजट है, आप ज़्यादातर हाईवे पे चलते हो, प्लस आपका गली वगैरह के अंदर ना छोटी जगहों पर रन है।